नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यूनियन बैंक में अगर आपको फिक्स डिपॉजिट कराना है, एफडी करानी है, तो उसका फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, उसका एक लाइव डेमो। फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। आप जब भी आप वो फॉर्म भरेंगे, आपके पास आपका सेविंग अकाउंट नंबर होना चाहिए, पासबुक होनी चाहिए, कितने अमाउंट की आपको एफडी बनानी है वो होना चाहिए, कितने टेन्योर का आप बनवाना चाहते हैं वो होना चाहिए, और अपने आगे का आधार कार्ड की कॉपी होना चाहिए। आइए हम लाइव डेमो देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म भरना है। आपके सामने यूनियन बैंक में फिक्स डिपॉजिट खोलने वाला फॉर्म है। आइए इसको किस तरीके से भरते हैं हम देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर भरना है, जो कि आपकी 15 डिजिट का जो अकाउंट नंबर है वह आप यहाँ भर देंगे। यहाँ पर आपको ब्रांच का नाम भरना है। अब यहाँ पर जिसके नाम से भी अगर आप जॉइंटली खुलवा रहे हैं एफडी, तो दोनों का नाम आएगा। जैसे मैं सिंगल नाम से खुलवा रहा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ मेरा नाम आएगा। यहाँ पर मुझे कस्टमर आईडी भरनी है, जो कि मुझे मेरी पासबुक पर दिख जाएगी। अब इसके बाद मैं दूसरे कॉलम पे आता हूँ। न्यू अकाउंट स्कीम फिक्स डिपॉजिट एफडी लिख सकता हूँ। राशि 1 लाख रुपए की मैं एफडी कराना चाह रहा हूँ। पीरियड 12 महीने के लिए कराना चाह रहा हूँ मैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में 7% है। खाते का परिचालन मैं खुद करूँगा, सिंगल कर सकता हूँ। खाते खोलने के लिए ब्यौरा, मतलब अब मैं चेक मैंने जो दिया है मैं उसका यहाँ पर कर सकता हूँ। चेक नंबर मैं यहाँ लिख दूँगा, ड्रॉन ऑन यूनियन बैंक। ब्रांच सुमेरपुर। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये तब ये मैं यानी कि रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन क्या देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं रिन्यूअल रिस्ट्रिक्शन कर सकता हूँ कि मैं ऑटोमेटिकली रिन्यू करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ब्याज मैं किस तरीके से चाहता हूँ, मंथली चाहता हूँ, हाफ ईयरली या ईयरली। मैं ईयरली ब्याज चाहता हूँ, तो ब्याज मुझे मैच्योरिटी पे मिले या मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। अब मैं चाहता हूँ कि ब्याज मेरे मैच्योरिटी पर मिल जाए, तो मैं यहाँ पर टिक कर दूँगा। ठीक है, अब इसके बाद मुझे यहाँ पर मेरे साइन कर देने हैं, यहाँ पर दिनांक डाल देनी है मुझे। यहाँ पर तो बैंक ऑफिसर साइन करेंगे। तो इस तरीके से ये आपको फॉर्म भर के ब्रांच में देना है, ताकि आपकी फिक्स डिपॉजिट ओपन हो सके। इसका पीछे का ब्लैंक रहता है, सिंपल फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।